Good evening, everyone. So we were discussing the marathon session on building material. इसमें हमने concrete तक complete कर लिया था. Up till concrete we have done. अब उसके आगे बढ़ेंगे. We'll start with the next of the building material, which is bricks. तो अगला building material जो हम use कर सकते हैं construction work के लिए, that is bricks. Start करने से पहले basic announcements हैं. जो price hike 1 तारीख को रही थी, उसको extend करके 8 जून तक कर लिए. So it is the right time to go for the subscription. देन 0% EMI भी लॉन्च कर दिए आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर. देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है आपको. देन डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी लॉन्च कर दिया, इन विच यू कैन गेट दी स्कॉलरशिप अप टू 50%. 50% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं आप. देन लास्ट 10 ईयर्स के PYQ भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं आपके ऐप के ऊपर. सो सब्जेक्ट वाइज आप पिछले 10 साल के PYQ को प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन कम्युनिटी फीचर ऑन द एंड्रॉयड इज ऑल्सो बिंग एक्टिवेटेड. नया फीचर है ये, एग्जैक्टली टेलीग्राम और व्हाट्सएप की तरह ही है, इन विच यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द एजुकेटर ऑल्सो एंड विद द फेलो लर्नर्स ऑल्सो. देन गेट ESC 23, गेट ESC 24 के लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है. 8 जून को लॉन्च हो रहा है. बायलैंगुअल बैच है. 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर. सर्विंग स्टार्ट हो रही है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसे. इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी स्टार्ट हो रही है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है. सो अब ये पीक टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए फॉर योर गेट एंड ESC. सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच. देन गेट 2022 और ESC 21 के जो रैंकर्स हैं वो भी शोकेस कर दिए थे आपको. तो ये तो हमारी बेसिक अनाउंसमेंट्स थी. दीज वर दी बेसिक अनाउंसमेंट्स. अब हम जाते हैं हमारे सीधा डिस्कशन पे. सो नेक्स्ट मटेरियल जो हमें बात करनी है वो है ब्रिक्स. सो नेक्स्ट ऑफ द मटेरियल तो हो गया था कॉन्क्रीट ही है. सो नेक्स्ट ऑफ द मटेरियल टू बी डिस्कस इज ब्रिक्स. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिक. अब सबने मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन वर्क में ब्रिक को यूज होते हुए देखा होगा. इनफैक्ट अपने घरों में ही यूज होते हुए देखा होगा ब्रिक कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए. सो वी स्टार्टिंग विद दिस बिल्डिंग मटेरियल. अब क्या है ब्रिक की कहानी, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द ब्रिक, ये भी देख लेते हैं. पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क. सबसे पुराना बिल्डिंग मटेरियल है और सबसे लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल है जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं. क्यों? कॉस्ट कम है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है और आसानी से आप हैंडल कर सकते हो. इट्स कॉस्ट इज लेस, इट्स ड्यूरेबिलिटी इज मोर एंड इट कैन बी इजिली हैंडल्ड. तो हैंडलिंग बहुत आसान है. देखा है आपने लेबर को इसको हैंडल करते हुए, तो हैंडलिंग पर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ईजी हैंडलिंग है. नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर ब्लॉक शेप का होता है ताकि कन्वीनियंटली हैंडल करते. ये तो एक ही हाथ से इसकी हैंडलिंग हो जाती है. इट कैन बी हैंडल्ड बाय सिंगल हैंड ओनली. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, इट इज मेड अप ऑफ क्ले और अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लाइम और OPC. किससे बना हुआ होता है? क्ले से बना हुआ होता है या मिक्सचर ऑफ सैंड लाइम और OPC से बना हुआ होता है. तो ये इसकी फॉर्मेशन निकल के आ गई. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस मटीरियल. नेक्स्ट, क्ले ब्रिक आर कॉमनली यूज, रीजन बींग ये इकोनॉमिकल होती है और इजिली अवेलेबल होता है. तो क्ले की जो ब्रिक्स होती है उसको हम जनरली यूज कर लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल होती है और क्ले इजीली अवेलेबल होती है. सो इट इज इजीली अवेलेबल. तो जनरली आपको क्ले की जो ब्रिक्स मिलेंगी वो ज्यादा मिलेंगी. यू विल फाइंड द क्ले ब्रिक्स टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन फ्रीक्वेंट टर्म्स. तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. बाकी आज के टाइम पे तो दूसरे मटेरियल भी आ गए जिससे हम ब्रिक्स बना सकते हैं. सीमेंट कॉन्क्रीट की ब्रिक्स बन जाती है. ब्रिक्स ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट आर ऑल्सो अवेलेबल. पर हम बात करेंगे क्ले ब्रिक्स की. स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स आएंगी. विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो. अभी तक मैंने आपको सारे स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंट मटेरियल बताए. जैसे स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट की बात करी थी हमने, फिर मोर्टार में आए थे तो स्पेशल टाइप ऑफ मोर्टार की बात भी करी थी. यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट पॉइंट ऑल्सो. तो स्पेशल टाइप ऑफ मोर्टार था. देन फिर हमारे पास अभी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्क्रीट क्या था लास्ट लेक्चर में. तो द लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्क्रीट ऑल्सो. तो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्क्रीट भी यूज कर सकते हैं. उसी तरीके से हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स भी हैं. ऑन द सेम लाइंस वी हैव स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो.
दैट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है, बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ब्रेक इज गिवन टू यू। जो लेंथ ब्रेक और हाइट होती है ब्रिक्स की, वो इंटर रिलेटेड होती है। सो लेंथ ब्रिक्स एंड हाइट ऑफ द ब्रिक्स आर इंटर रिलेटेड। क्या रिलेशनशिप है? द लेंथ ऑफ द ब्रिक इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ द ब्रिक प्लस द थिकनेस ऑफ द मोर्टार। जो लेंथ है हमारे ब्रिक की, वो ट्वाइस द विड्थ होती है प्लस मोर्टार की थिकनेस जोड़ दो। जो हाइट होती है वो विड्थ के बराबर होगी, द हाइट विल बी इक्वल टू विड्थ। अब ये चीज समझाने के लिए ब्रिक बना के दे देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारी ब्रेक है, दिस इज अवर ब्रेक। तो पहली जानकारी क्या दी आपको? जो लेंथ है ब्रेक की वो टू टाइम्स दी विड्थ है प्लस थिकनेस ऑफ द मोर्टार, और जो हाइट है ब्रेक की वो विड्थ के बराबर है। हाइट इज इक्वल टू विड्थ, क्लियर है? नेक्स्ट, अब साइज ऑफ स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रेक क्या है? द साइज ऑफ स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रेक इज 19 by 9 by 9 cm। तो 19 cm लंबाई हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट हो जाएगी। जरा चेक कर लो, विड्थ और हाइट बराबर है और लेंथ कितनी हो गई 19 × 2, 1 सेंटीमीटर मोटार की थिकनेस है हमारी, 1 सेंटीमीटर मोटार की थिकनेस है, तो कितना हो गया 18 + 1 = 19। नेक्स्ट, नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। तो अगर आपसे वो पूछे नॉमिनल साइज कितना है ब्रिक का, तो आई विल से 20 × 10 = 10। अब नॉमिनल साइज कौन सी साइज होती है? नॉमिनल साइज वो साइज होती है जिसमें थिकनेस ऑफ मोटार इंक्लूडेड हो। तो दिस साइज इंक्लूड थिकनेस ऑफ द मोटार। तो अगर आप मोटार की थिकनेस को भी इंक्लूड कर दोगे, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक बोल देंगे। सो दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। क्लियर है चीज? देन द साइज ऑफ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिक। पहले के टाइम पे जो ब्रिक यूज होती थी, साइज ऑफ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिक इज 25 × 11.4 × 7.6 cm। तो ये साइज है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रिक की। दिस इज द साइज ऑफ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिक। तो साइज ध्यान रखनी है आपको सारे ब्रिक्स की। टेक प्रॉपर केयर ऑफ साइज ऑफ ऑल दी ब्रिक्स। इसके ऊपर सवाल आते हैं खूब सारे। नोट कर लिया सबने? Noted. चलो, next point क्या बोल रहा है? The weight of the brick is in the range of 3 to 3.5 kg. जो हमारा brick है, उसका weight vary करता है 3 से लेके 3.5 kg के बीच में। तो standard है 3 to 3.5 kg के आसपास होता है। depend करता है density कितनी हमारी clay की। वो clay जिसको हमने use कर रखा है brick बनाने के अंदर, that clay which is being used for the preparation of the brick. तो उसके ऊपर डिपेंड कर जाती है, उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्ले। बाकी इन जनरल इसका जो वेट है वो 3 से लेकर 3.5 kg के बीच में वेरी कर जाएगा। इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 3 to 3.5 kg। सर ये साइज 23 सेंटीमीटर है। 23 भी नहीं होती है, इसको मैं सही करके लिख देता हूँ। पहले तो 23, अगर 23 भी नहीं है एग्जैक्टली, अगर बोलोगे तो 22.86 होती है, पर राउंड ऑफ करके 23 सेंटीमीटर बोला हुआ है। इट इज राउंडेड ऑफ एंड मेंशनड एज 23 सेंटीमीटर। तो वेट वेरी करता है 3 से लेकर 3.5 kg के बीच में। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, एन इंडेंटेशन मार्क टर्म्ड एज फ्रॉग, एन इंडेंटेशन मार्क टर्म्ड एज फ्रॉग इज ऑलवेज प्लेस्ड ओवर द ब्रेक। आपको ब्रेक के ऊपर हमेशा एक इंडेंटेशन मार्क मिलेगा। तो ये इंडेंटेशन मार्क दिखा रहा है आपको ब्रेक के ऊपर।
इस इंडेंटेशन मार्क ये जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं, इसके दो पर्पस होते हैं। इट हैज टू पर्पसेस। पहला, इट इज यूज टू इंडिकेट द ट्रेड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। इसका काम होता है जो मैन्युफैक्चरर है उसका ट्रेड नेम बताना। दूसरा, इट एक्ट एज अ शेयर की बिटवीन द टू मोटार, टू ब्रिक्स जिसमें हम मोटार की लेयर को अप्लाई कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस फ्रॉग के दो काम होते हैं। पहला, जो भी ब्रिक को बनाता है अपना नाम लिखता है, तो ये भी देखा होगा आपने एक्स वाई जेड नाम लिखा हुआ आता है, तो ब्रिक का कुछ ना कुछ नाम मिलेगा आपको लिखा हुआ। यू विल फाइंड सम और द अदर नेम ऑफ द ब्रिक बीइंग मेंशन्ड देयर। टेक्निकल काम क्या है? टेक्निकल काम ये है, जब दो ब्रिक्स की लेयर बनाओगे आप तो उसके बीच में मोटार लगाया जाएगा, ये शेयर की तरह काम कर जाता है। कहने का मतलब है ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है लेटरल डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है लेटरल डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स इन लेटरल डायरेक्शन। कैसे? बाय एक्टिंग एज अ की, तो ये की तरह काम कर जाती है। अभी जो फ्रॉग है इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज है 10 cm by 4 cm by 1 cm। द साइज ऑफ द फ्रॉग इज 10 cm by 4 cm by 1 cm। 10 cm लंबाई, 4 cm चौड़ाई और 1 cm की इसकी थिकनेस है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन 4 cm हाई ब्रिक। अगर 4 cm की ब्रिक है तो उसके अंदर ये नहीं प्रोवाइड किया जाता। 4 cm में 1 cm आप फ्रॉग ही दे दोगे फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए 4 cm का अगर हाइट होती है वहां पे ये नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक पीछे बता रखा है 1999। तो 1999 तो ये पीछे बताइए साइज, तो कोई इशू है ही नहीं स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक। क्लियर? चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? क्लासिफिकेशन क्या है ब्रिक्स के बारे में? व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स? नाउ देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स। बहुत सारे तरीके हैं ब्रिक्स को क्लासिफाई करने के लिए। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द फील्ड प्रैक्टिस। अब फील्ड प्रैक्टिस के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब क्या होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक? ये वो ब्रिक्स होती हैं जो थरोली बर्नट होती हैं, डीप रेड इन कलर होती हैं। क्लियर है? डीप रेड इन कलर होती हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? नेक्स्ट, इनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, रेक्टेंगुलर शेप होती है और शार्प एजेस होती हैं। क्लियर है चीज? इनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, दे आर फ्री फ्रॉम द फ्लॉज, कोई क्रैक नहीं होता, कोई स्टोन नहीं होता। दे मस्ट नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर अप टू द ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स। इनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 10 Nm/mm² होती है, तो इनकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनकी एप्लीकेशन कहाँ निकल के आती है? इनकी एप्लीकेशन निकल के आती है पॉइंटिंग में, फ्लोरिंग में या रीइंफोर्स ब्रेकवर्क में। ये रीइंफोर्स ब्रेकवर्क मैंने आपको एक दो क्लास पहले बताई थी, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज रीइंफोर्स ब्रेकवर्क। मोटार के अंदर बताया था रीइंफोर्स ब्रेकवर्क मैंने, तो वहाँ पे एप्लीकेशन आई थी, वहाँ पे एक मोटार था जिसको हम यूज करते हैं रीइंफोर्स ब्रेकवर्क में। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। नेक्स्ट, सेकंड क्लास ब्रिक की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सारी वही है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, बस थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं। क्या? इसमें स्मॉल क्रैक्स कैन बी परमिटेड, वाटर एब्जॉर्प्शन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20%, 16 से 20% के बीच में होता है ऑफ ड्राई वेट, क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी मोर देन 7 Nm/mm². तो क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 Nm/mm² से ज़्यादा निकल के आनी चाहिए। कहाँ पर यूज़ करते हो? इन इंपॉर्टेंट हिडन मेसनरी वर्क में, आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो। तो जहां पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की हमारी कंपैरेटिवली कम हो जाए वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, देयर इट कैन बी यूज्ड। क्लियर है चीज? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक होती है, दीज आर अंडरबर्न ब्रिक्स। ये वो ब्रिक्स होती हैं जो अंडरबर्न हो। क्लियर है? सो ऑल दीज ब्रिक्स आर अंडरबर्न ब्रिक्स। ये सॉफ्ट होती हैं, दीज आर सॉफ्ट, दीज आर लाइट इन कलर। They produce a dull sound. They produce a dull sound when struck against each other. ये dull sound produce करते हैं अगर आपने एक दूसरे के against इनको strike करा के दिखाया। In fact, ये तो एक test भी होता है, इसको हम बोलते हैं soundness test. In fact, ये तो एक test भी होता है जिसको हम technically क्या बोल देते हैं, soundness test होते हैं। इसकी water absorption 25% तक भी जाती है, its water absorption is up to 25%. Secondly, इसको हम use करते हैं temporary structure के लिए। So it can be used for temporary structure only. Clear?
तो ये हमारी हो गई थर्ड क्लास ब्रेक, दिस इज अवर थर्ड क्लास ब्रेक। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्लास ब्रेक। अब ये फोर्थ क्लास ब्रेक क्या होती है? फोर्थ क्लास ब्रेक, दीज आर ओवरबर्न्ड, ये ओवरबर्न्ड ब्रिक्स हैं, इनमें बैडली डिस्टॉर्शन होती है, ये ब्रिक्स बहुत ब्रिटल होती हैं, जैसे ही थोड़ा सा लोड लगता है आसानी से टूट जाती हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? ब्लास्ट वर्क के लिए, जैसे ये मैंने आपको बताया था लाइम के अंदर, जब फाउंडेशन ले की जाती है उसके नीचे ब्रिक ब्लास्ट की एक लेयर लगाई जाती है। व्हेन वी ले द फाउंडेशन, बिलो दैट फाउंडेशन वी लेयर अ लेयर ऑफ ब्रिक ब्लास्ट। तो इसको ब्रिक ब्लास्ट बनाने के लिए जिन ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है फोर्थ क्लास ब्रिक। तो ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे है? ये क्लासिफिकेशन बिहाफ है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस, कैसी फील्ड प्रैक्टिस होती है हमारी। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बिहाफ पे भी हमने क्लासिफाई कर रखा है ब्रिक्स को, कैसे? जरा देखो, देर आर डिफरेंट क्लास ऑफ द ब्रिक्स विच आर गिवन, 3.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17, 20, और साथ में इसकी क्या लिखी हुई है? साथ में इसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी लिखी हुई है। अलॉन्ग विद दिस एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो बींग मैंशनड। तो जो क्लास है वही क्या है इसकी? एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए हमारे ब्रिक की? मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और जो हमारी हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं, या जो वो ब्रिक्स होती हैं जिनको हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक भी चली जाती है। देयर स्ट्रेंथ में एक्सीड अप टू 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अभी करेंगे हैवी ड्यूटी ब्रिक्स आएंगे आगे। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स इज ऑन द बेसिस ऑफ द यूज। यूज के बिहाफ पे क्या क्लासिफिकेशन है? यूज के बिहाफ पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रिक्स को, कैसे? फर्स्ट है कॉमन ब्रिक्स हमारी, जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उसको हम बोल देते हैं कॉमन ब्रिक्स। तो दीज ब्रिक्स आर जनरल, मल्टीपर्पज होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं विदाउट एनी स्पेशल रेफरेंस टू और अपेयरेंस, कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं होती अपेयरेंस की। नेक्स्ट इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कर सकती है, ड्यूरेबिलिटी वेरी कर सकती है। जनरली इसको फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वॉल जहाँ पर अपेयरेंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं हो देयर वी गो फॉर कॉमन ब्रिक्स, वहाँ पे कॉमन ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी फेसिंग ब्रिक्स, ये वो ब्रिक्स होती हैं जिनको हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे एस्थेटिक वैल्यू ज़्यादा हो, इनकी अपेयरेंस अच्छी होती है, अपेयरेंस अच्छी होती है, टेक्सचर अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, सीवियर एक्सपोजर को बेयर कर सकती हैं। जो हमारी बिल्डिंग वॉल्स होती हैं फ्रंट की उसको बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। दीज आर नोन एज फेसिंग ब्रिक्स, नाम में लिखा हुआ है, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। क्लियर है? नेक्स्ट ऑफ द ब्रिक्स आर नोन एज इंजीनियरिंग ब्रिक्स, जो इंजीनियर्ड पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, जैसे स्ट्रेंथ बेयर करनी है या लोड बेयर करना है, उस केस के अंदर हम इंजीनियरिंग ब्रिक्स को यूज करते हैं। देयर वी टेक द हेल्प ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स क्या होती है? दीज ब्रिक्स आर स्ट्रॉन्ग, दीज ब्रिक्स आर इम्परमेबल, तो स्ट्रॉन्ग होंगी, इम्परमेबल होंगी, स्मूथ होंगी, टेबल मोल्डेड होंगे, टेबल मोल्डेड क्या होते हैं भी करेंगे आगे, हार्ड होंगी, इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कंपेरेटिवली कम निकल के आएंगी। तो जहाँ पे आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाना है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, देयर वी यूज इट।
क्लियर चले आगे. नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स इज ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी टाइप. अब कैसी बॉडी टाइप है उसकी, उस बिहाफ पे भी हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है. सो द बेसिस ऑफ द बॉडी टाइप. अब क्या है बॉडी टाइप? सॉलिड हो सकती है, परफोरेटेड हो सकती है, हॉलो हो सकती है और सेलुलर हो सकती है. इट में भी सॉलिड, इट मे बी परफोरेटेड, इट मे बी हॉलो, इट मे बी सेलुलर ऑल्सो. अब इनमें क्या फर्क होता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देम? सॉलिड. अब सॉलिड ब्रिक्स क्या है? सॉलिड ब्रिक्स वो ब्रिक्स होती हैं, इट शुड हैव द होल्स नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक एंड फ्रॉग नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. तो वो ब्रिक्स जिसमें होल्स 25% ऑफ द वॉल्यूम से एक्सीड नहीं करते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे सॉलिड. परफोरेटेड. परफोरेटेड ब्रिक्स वो ब्रिक्स होती हैं जिसमें स्मॉल होल में एक्सीड 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. इसमें जो होल्स हैं वो 25% ऑफ टोटल वॉल्यूम को एक्सीड कर सकते हैं, दे कैन एक्सीड दैट. हॉलो ब्रिक्स क्या होती हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ द होल्स विच नीड टू बी स्मॉल मे एक्सीड द 25%. तो ये 25% से ज़्यादा निकल के आ सकती है, इसको मैं क्या बोल लूँगा? हॉलो ब्रिक्स बोल लूँगा. तो परफोरेटेड और हॉलो दोनों में जो होल्स का वॉल्यूम है वो किससे ज़्यादा निकल के आ रहा है? दोनों में जो होल्स का वॉल्यूम है वो किससे ज्यादा निकल के आ रहा है? 25% से ज्यादा निकल के आ रहा है. क्लियर है चीज? फिर फर्क क्या है परफोरेटेड और हॉलो में? परफोरेटेड और हॉलो में फर्क यह है कि परफोरेटेड में स्मॉल साइज ऑफ होल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड. तो परफोरेटेड में होल का साइज कंपेरेटिवली छोटा होता है, नॉट इन द केस ऑफ द हॉलो ब्रिक्स. हॉलो ब्रिक्स का मतलब क्या है? अंदर से खाली है. क्लियर है चीज? नेक्स्ट है सेलुलर ब्रिक्स. सेलुलर ब्रिक्स वो ब्रिक्स होती है वेयर होल्स क्लोज एट वन एंड एक्सीड 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स. अब आप बोलोगे सर स्मॉल होल्स क्या होते हैं? स्मॉल होल्स वो होल्स होते हैं जिनकी साइज 20 mm या उससे छोटी हो. क्लियर है चीज? तो स्मॉल होल वो होल होता है जिसकी साइज 20 mm या उससे क्या निकल के आ जाए, कम निकल के आ जाए, उसको हम स्मॉल होल्स बोल देते हैं. 2 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए. अच्छा लिखा हुआ है नीचे, लिखा हुआ है स्मॉल होल्स आर लेस देन 20 mm और लेस देन 500 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ये तो हमारे स्पेशल ब्रिक्स की कहानी खत्म हुई. ये तो हमारे स्पेशल ब्रिक्स की कहानी खत्म हुई. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ. हमारे ब्रिक अर्थ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सो व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर देयर इन अवर ब्रिक अर्थ. जैसे हमने सीमेंट में बात करी थी, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल था, उसके इंग्रेडिएंट्स की बात करी थी, मोर्टार की बात करी थी, कॉन्क्रीट की बात करी थी. जितने भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल होते हैं इन सबके इंग्रेडिएंट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए. So whatever artificial building material we have, knowledge about their ingredients should be known to us. उनके ingredients की knowledge होनी चाहिए हमें. Clear है? चलो. उठाएं ingredients को. चलो ingredients उठाते हैं. पहला silica. जैसे cement में थी silica, यहाँ पर भी silica है. कितनी proportion में होनी चाहिए? 50 से लेके 60% के बीच में होनी चाहिए. क्या काम होता है? इट अनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप एंड साइज. ये हेल्प करता है ब्रिक्स को अपनी शेप और साइज रिटेन करने में. इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी बाय प्रिवेंटिंग द श्रिंकेज एंड वार्पिंग. ये ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करता है श्रिंकेज और वार्पिंग को अवॉइड करके. अगर सिलिका एक्सेस में हुई ये ब्रिक्स को ब्रिटल बना देगी और वीक कर देगी बर्निंग के टाइम पे. तो सिलिका एक्सेस में भी नहीं होनी चाहिए. इट विल मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ सैंड और अनकम्बाइंड सिलिका इज अनडिजायरेबल. क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको ऐड किया इट विल कैरी आउट द श्रिंकेज. क्लियर है? तो अगर एक्सेस में चली गई ये श्रिंकेज करा देगी. फिर भी इसको ऐड कर देते हैं ताकि 50-60% की रेंज में ये श्रिंकेज को रोके. तो अगर हमारे
सैंड की प्रेजेंस ज्यादा रहेगी क्ले के अंदर तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम निकल के आएगा तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कम होगा। क्लियर चीज? चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज एल्यूमिना। अब एल्यूमिना कितनी परसेंटेज में होना चाहिए? 20 से 30। सीमेंट में कितना था? 3 to 8। वहां पर फंक्शन अलग था, यहां पर फंक्शन अलग है। यहां पर क्या है? व्हाट द फंक्शन ऑफ एल्यूमिना? फंक्शन इंपार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ। ये प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है ब्रेक अर्थ में। क्लियर है? जिससे हेल्प मिलती है उसको रीमोल्ड करने के अंदर या मोल्डिंग करने के अंदर। मोल्डिंग का मतलब होता है शेप देना, रीमोल्डिंग का मतलब होता है दोबारा शेप देना। तो एल्यूमिना इंपार्ट्स प्लास्टिसिटी, देयर बाय हेल्प्स इन द मोल्डिंग ऑफ द ब्रिक्स। पर अगर ये एक्सेस में हुई इट प्रोड्यूस द क्रैक्स ऑन ड्राइंग। अगर ये एल्यूमिना एक्सेस में निकल के आ गई, ये क्या करती है? क्रैक प्रोड्यूस कर देती है, तो इट प्रोड्यूस द क्रैक्स ऑन ड्राइंग। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, क्ले हैविंग एक्सेस ऑफ एल्यूमिना आर लाइकली टू बी वेरी रिफ्रेक्टरी। अगर एक्सेस ऑफ एल्यूमिना निकल के आई तो आपकी क्ले क्या हो जाएगी? इट विल बिकम रिफ्रेक्टरी क्ले। फिर से कॉमन टर्म है, इस टर्म को भी मैंने कहीं यूज कर रखा है। वेर आई यूज दिस टर्म अर्लियर? रिफ्रेक्टरी क्ले या रिफ्रेक्टरी वर्ड मैंने पहले भी यूज कर रखा है। फायर क्ले ब्रिक को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी क्ले। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज कर रखी थी हमने पहले, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर ज्यादा होती है। सेम कहानी यहाँ पर, एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। क्लियर चीज? तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो फर्नेसेस में, क्लिंस में, इंसिनरेटर में या रिएक्टर में यूज होते हैं। कहने का मतलब है वहां पर यूज होते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, वे टेम्परेचर इज मोर। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज लाइम। अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास जो प्रीकर्त में होना चाहिए, इसको हम बोल देते हैं लाइम। अब लाइम क्या करता है? लाइम रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग एंड कॉजेस द सिलिका टू मेल्ट ऑन बर्निंग, दैट हेल्प्स इन बाइंडिंग इट। तो लाइम का काम होता है स्ट्रेंथ इम्पार्ट करना। ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है सिलिका के साथ बाइंड करके। तो बर्निंग प्रोसेस जब होती है ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी एक ऑपरेशन बर्निंग का ऑपरेशन अभी करेंगे आगे। जैसे हमने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करी थी वहां पर भी आपको ऑपरेशन बताए थे, देयर आल्सो द ऑपरेशंस वर बीइंग डिस्कस। वैसे ही ऑपरेशन यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, ऑन द सेम लाइन्स ऑपरेशन आर इन्वॉल्व। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन बर्निंग ही है हमारा। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हमारा बर्निंग है। तो बर्निंग के टाइम पे क्या करती है? लाइम और सिलिका फ्यूज करती है आपस में। ड्यूरिंग बर्निंग लाइम एंड सिलिका फ्यूजेज विद ईच अदर। तो लाइम क्या करती है? स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है। अगर एक्सेस में हुई ये मेल्ट कर जाती है। सो इफ दिस लाइम इज एन एक्सेस इट मेल्ट्स एंड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर लाइमस्टोन एक्सेस में हुआ, लाइमस्टोन की क्या होती है? कैल्सिनेशन होती है। क्या बनता है? क्विक लाइम बनता है। क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? स्लेक्ड लाइम बना लेगा। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। और स्लेकिंग टाइम पे वॉल्यूम क्या करता है? ड्यूरिंग स्लेकिंग व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम? इट इंक्रीजेस। वॉल्यूम बढ़ जाती है स्लेकिंग के टाइम पे।
क्लियर है, नोट कर लो उसे। नोट करो, चले फिर आगे। हाँ नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज मैग्नीशिया। क्या कर रहा था? सीमेंट के अंदर वॉल्यूम चेंज करवा रहा था, दूसरा कलर दे रहा था, स्ट्रेंथ दे रहा था, सेम कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर भी क्या करता है? यहाँ पर भी कलर इम्पार्ट करता है, हेयर ऑल्सो इट इम्पार्ट्स द कलर। तो मैग्नीशिया 1% से कम होना चाहिए। इट गिव्स येलोइश टिंज टू दी ब्रिक्स। नेक्स्ट, इट कॉजेज द क्ले टू सॉफ्टन एंड स्लोअर सी रेट। ये सॉफ्ट कर देता है और उसमें जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको स्लो कर देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस में भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द ब्रिक्स। तो सेम वैसी ही कहानी है जो हमने कहाँ डिस्कस कर रखी थी, जो हमने डिस्कस कर रखी थी सीमेंट के अंदर। नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज आयरन ऑक्साइड। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है हमारे पास? आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड भी वही काम करता है जो सीमेंट के अंदर कर रहा था। एक, रेड कलर इम्पार्ट करता है, दूसरा ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करता है, तीसरा स्ट्रेंथ और हार्डनेस इम्पार्ट करता है। क्लियर है? सो इट गिव्स रेड कलर टू द ब्रिक, इम्प्रूव्स द इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, मोर ओवर इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। नेक्स्ट, इसमें जो एल्कलीज हैं सारी वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, सो एल्कलीज शुड बी नेग्लिजिबल। नोट करो फटाफट। क्या बोल रहा है? परसेंटेज ऑफ द एल्यूमिना इन द गुड ब्रिक्स लाइज इन द रेंज ऑफ। अभी तो पीछे बताया, बताने के बाद डायरेक्टली सवाल पूछा, 20 से लेकर 30% के रेंज में होता है। नेक्स्ट, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एल्यूमिना। नहीं, 50-60 और 20-30 है, गलत स्टेटमेंट हो गई। इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना लाइम सिलिका। नहीं, गलत है। सिलिका 35 से लेकर 70%, ठीक है, 50 से लेकर 60% होती है, 10 से लेकर 20%, 20 से लेकर 30% होती है एल्यूमिना। तो 20 से 30 ये तो रेंज से बाहर चला गया, ये भी रेंज से बाहर चला गया, तो आंसर आ गया सी। जो भी प्रपोर्शंस बताई हैं वो सारी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये जो भी प्रपोर्शंस हैं हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये वेरी हो सकती हैं प्रपोर्शंस, दीज प्रपोर्शंस कैन वेरी, फिक्स नहीं होती हैं ये।
चलो ये क्या हुआ। फाइल इंपोर्ट करने दो एक बार। फाइल खत्म हो गई पिछली वाली। आ गई। ब्रिक्स कर रहे हैं ना अपन। तो ब्रिक्स में मेरे ख्याल से यहां तक कर लिया था। ये वाला सवाल कर लिया था। इसके आगे चलते हैं। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टेकन। देखो अभी ये बताया नहीं आपको मैंने, जैसे आई हैव नॉट डिस्कस, पर अभी आगे डिस्कस करूंगा कि इसमें 20 ब्रिक्स यूज की जाती हैं। है 20 ब्रिक्स आर यूज। अभी आगे कहीं ना कहीं आ जाएगी ये बात, पर सवाल पहले डाल दिया तो उसका आंसर बता दिया आपको। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन, पीछे बताई थी 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगी, क्यूब में दे रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे। तो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब डाल रखी है, क्यूब नहीं है ये, सो इट इज नॉट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट। क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी लीस्ट। क्ले एंड सिल्ट कंटेंट, ये भी डिस्कशन कर ली पीछे हमने, टॉक्ड अबाउट क्ले एंड सिल्ट कंटेंट। तो क्ले और सिल्ट कंटेंट कितना होना चाहिए, 50%? तो 50-60% ही, 50 और 60%। नेक्स्ट, यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक वर्क इज अबाउट, यूनिट वेट सो 19 to 20 kN/m³। ये चेंज कर देना आप, ये मीटर स्क्वायर है सो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है खत्म सवाल। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रेक अर्थ। तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हमारे ब्रेक अर्थ के अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। अभी तो पीछे हमने इंग्रेडिएंट की बात करी थी, अब किसकी बात कर रहे हैं, हार्मफुल इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन अवर ब्रेक अर्थ। बहुत तरह के हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। अगर ये प्रेजेंट होंगे हमारे ब्रेक अर्थ के अंदर, ये दिक्कत क्रिएट करेंगे, दे विल क्रिएट द प्रॉब्लम इन इट। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक एक करके उठाते हैं। What problem do they create? One by one we'll be talking about that. पहला, लाइम, लाइम अगर एक्सेस में हुआ क्या करेगा, कैल्सिनेशन हो जाएगी लाइमस्टोन की, क्विक लाइम बनेगा, क्विक लाइम से फिर स्लेकिंग होती है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इट विल फाइनली लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक्स। ये तो पूरी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो, दिस कंप्लीट सीक्वेंस यू कैन राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, पेबल, ग्रेवल, ग्रिट एंड स्टोन, ये अभी हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। दिस इज ऑल्सो अवर हार्मफुल इंग्रीडियंट। अगर हमारे क्ले के अंदर जिससे ब्रिक बनी उसमें पेबल और स्टोन प्रेजेंट हो, ये एरिया की अवेलेबिलिटी कम कर देते हैं लोड को ट्रांसफर करने के लिए। इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द एरिया फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द लोड। क्लियर है चीज? दूसरा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा तो अपेयरेंस भी बिगड़ जाती है। क्लियर है चीज? चले आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द हार्मफुल इंग्रेडिएंट इज आयरन पाइराइट। अभी पीछे हमने बोला था आयरन स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, कैसे, लाइम और सिलिका को आपस में फ्यूज करा के। तो अगर आयरन पाइराइट प्रेजेंट हो
इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये डीकम्पोज कर देते हैं ब्रिक को ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस, एंड इट मे ऑल्सो डीकलराइज द ब्रिक, ये ब्रिक की डीकलराइजेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रीडियंट एल्कली, ये तो पीछे बता रखा था, एल्कली प्रेजेंट होते तो एफ्लोरेसेंस करा देगा, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टेन्स, हमारे ब्रिक के सर्फेस के ऊपर स्टेन्स डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हुआ हमारे ब्रिक के अंदर और अगर उसकी डिकम्पोजिशन पूरी नहीं हुई, एक तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, इट विल रिड्यूस द वॉल्यूम, दूसरा गैसेस प्रोड्यूस होंगी, गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी वो राइज करेंगी या ब्रिक्स में से बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। क्लियर है चीज? चले आगे। नेक्स्ट है कार्बोनिशियस मटेरियल, अगर कार्बोनिशियस मटेरियल प्रेजेंट हुआ क्ले के अंदर जिससे हमने ब्रिक बनाई, इससे हमारी जो ब्रिक है वो जनरली क्या हो जाती है, इससे हमारी ब्रिक जनरली सॉफ्ट हो जाती है। सो प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिशियस मटेरियल विल सॉफ्टन द ब्रिक, तो ये ब्रिक को सॉफ्ट कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर सल्फर प्रेजेंट हुआ, इफ सल्फर इज फाउंड इन एक्सेस, सो इफ सल्फर इज फाउंड इन एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट ऑफ कैल्शियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ पोटेशियम, सल्फेट ऑफ आयरन, इट विल मेक द ब्रिक स्पॉन्जी, हमारा जो ब्रिक है वो स्पॉन्जी हो जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर में डालोगे तो ब्रिक आपको स्पॉन्जी मिलेगी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, पानी आएगा तो स्वेल कर जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर इट विल स्वेल। नोट करो फटाफट, चले। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। अगला जो पॉइंट अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। जैसे हमने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग देखी थी, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल था, जैसे हमने कॉन्क्रीट की मैन्युफैक्चरिंग देखी, अब हम ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। कॉन्क्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 7 ऑपरेशन बताए थे आपको, कौन कौन से ऑपरेशन थे, बैचिंग था, मिक्सिंग था, ट्रांसपोर्टिंग था, फिर प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग, ये सारे ऑपरेशंस लगे हुए थे। उसी तरीके से ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास 4 ऑपरेशन लगे हुए हैं। कौन कौन से 4 ऑपरेशन है? फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, दूसरा मोल्डिंग, तीसरा ड्राइंग और चौथा बर्निंग। तो इन 4 सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अंदर हमारी ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक विल बी कैरिड आउट इन दिस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। एक एक करके सबको उठाते हैं, डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा रखा है। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ द क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले क्या, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस लगे हुए हैं? फर्स्ट, इसमें भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस निकल के आएंगे, इसमें भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस निकल के आएंगे। क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है? अनसॉइलिंग, अनसॉइलिंग का मतलब सॉइल को हटाना। तो वो प्रोसेस जिसमें आप टॉप 200 mm की सॉइल को हटा दो, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इम्प्योरिटी यहीं रहेंगी, क्योंकि मैक्सिमम इम्प्योरिटी इसी लेयर में रहती है, इसको हम बोल देते हैं अनसॉइलिंग। कौन सी इम्प्योरिटी? जैसे पेबल हो गया, स्टोन हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, प्लांट के फाइबर्स हो गए, तो इस ऊपर वाली लेयर को तो हटा ही देते हैं, इसको यूज ही नहीं करते, तो उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं अनसॉइलिंग। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज अनसॉइलिंग। क्लियर है?
चलिए आगे. नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज डिगिंग. नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज डिगिंग. अब जब आपने अनसॉइलिंग कर ली है, ऊपर वाली लेयर को हटा दिया, बची हुई सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं और स्प्रेड कर देते हैं लेवल ग्राउंड के ऊपर. इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं डिगिंग. जब आपने लेवल ग्राउंड के ऊपर सॉइल को स्प्रेड कर दिया, अब इसमें से जो इम्प्योरिटी है उसको हटाया जाएगा. कौन सी इम्प्योरिटी को हटाया जाएगा? जैसे स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गया. तो स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इन सारी चीज़ों को हटाया जाएगा. क्लियर है? इसको हम टेक्निकली प्रोसेस क्या बोल देंगे? क्लीनिंग का. तो पहले ऊपर वाली सॉइल को हटाया, किसी काम की नहीं है. बची हुई सॉइल को एक्सकेवेट किया, स्प्रेड कर दिया लेवल सर्फेस के ऊपर. इसमें से हमने किसको हटाया? स्टोन्स को हटाया, पेबल्स को हटाया, ऑर्गेनिक मैटर को हटाया. नाम क्या रख दिया? क्लीनिंग. तो टेक्निकली टर्म्ड इज क्लीनिंग. नेक्स्ट वेदरिंग. अब क्या होती है वेदरिंग? द प्रोसेस इन विच जो क्लीन सॉइल है उसको हम वहीं पर छोड़ दे. वहीं पर छोड़ दे मतलब एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में छोड़ दे. क्यों? ताकि उसकी सॉफ्टनिंग हो जाए, उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए. इसको हम वेदरिंग प्रोसेस बोल देते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वेदरिंग. नेक्स्ट है ब्लेंडिंग. अगर कोई इंग्रेडिएंट की डेफिशिएंसी है हमारे क्ले के अंदर, उस इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है. प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? ब्लेंडिंग. और फाइनली वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी इम्पार्ट कर दें क्ले को, इसको हम बोल देंगे टेम्परिंग. तो ऊपर वाली 20 mm की लेयर को हटाया, सॉइल को एक्सकेवेट किया, स्प्रेड कर दिया लेवल सरफेस के ऊपर, उसकी क्लीनिंग कर दिया यानी इम्प्योरिटी को हटा दिया, फिर वेदरिंग के लिए छोड़ दिया, उसमें जो चीज़ की कमी थी वो मिला दी यानी ब्लेंडिंग कर दी, और फाइनली क्या किया? प्लास्टिसिटी इंड्यूस करके उसको अगले ऑपरेशन के लिए भेज दिया. तो पहला ऑपरेशन था हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले. द फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन वाज टर्म्ड एज प्रिपरेशन ऑफ क्ले. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज मोल्डिंग. हमने क्ले प्रिपेयर कर दी, अब आगे इसकी करेंगे मोल्डिंग. अब मोल्डिंग क्या होती है? मोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिक अर्थ. मोल्डिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम रिक्वायर्ड शेप और साइज देते हैं ब्रिक अर्थ को. कैसे कर सकते हो? इट कैन बी डन मैनुअली ऑल्सो, इट कैन बी डन मैकेनिकली ऑल्सो. इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, मैकेनिकली भी किया जा सकता है. तो जैसे सूट करे वैसा कर लो एज पर योर सूटेबिलिटी. सो इट कैन बी डन मैनुअली, इट कैन बी डन मैकेनिकली. मोल्डिंग किसकी मदद से करते हैं? मोल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द मोल्ड्स. अब मोल्ड्स कैसे होते हैं? मोल्ड्स हमारे वुड के भी हो सकते हैं, मोल्ड्स हमारे स्टील के भी हो सकते हैं. तो इट मे बी ऑफ वुड ऑल्सो, इट मे बी ऑफ स्टील ऑल्सो. जो मोल्ड होता है इसकी साइज को 8 से 12% बड़ा रखा जाता है देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक. जो हमारा मोल्ड होता है इसकी साइज को 8 से 12% बड़ा रखा जाता है देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक. क्यों? क्योंकि हमें पता है मोल्डिंग के बाद अगला ऑपरेशन क्या है? ड्राइंग और बर्निंग है. क्योंकि हमें पता है इसके बाद अगला ऑपरेशन क्या है? ड्राइंग और बर्निंग है. और उस ड्राइंग और बर्निंग ऑपरेशन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या कर जाएगी? कम हो जाएगी. द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विल डिक्रीज. तो अगर जिस साइज के आपको ब्रिक चाहिए उसी साइज का आपने मोल्ड बना दिया, दिक्कत वाली बात है. देयर इज अ प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शुरू में मैंने बात करी थी फ्रॉग की. इन द स्टार्टिंग आई हैव टॉक्ड अबाउट फ्रॉग. तो शुरू में हमने बात करी थी किसकी? फ्रॉग की. अब फ्रॉग प्लेस किया जाता है किसके ऊपर? ब्रिक्स के ऊपर. मोल्डिंग के टाइम पे ही फ्रॉग प्लेस की जाती है ब्रिक के ऊपर. तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया है कि भैया कि ये वो ऑपरेशन है जहां पे फ्रॉग प्लेस किया जाता है. तो पीछे फ्रॉग क्या होता है वो तो बता दिया, पर इस बार हमने ये डिस्कस किया कि मोल्डिंग ऑपरेशन के टाइम पे फ्रॉग प्लेस की जाती है. क्लियर है?
नोट करो। हो गया मोल्डिंग। तो पहले हमने क्ले को प्रिपेयर किया और फाइनली उसकी क्या कर दी, मोल्डिंग कर दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ दी ऑपरेशन, बढ़ने से पहले मोल्डिंग के पूरा प्रोसेस बता दिया आपको। मोल्डिंग कैन बी हैंड मोल्डिंग, मोल्डिंग कैन बी मशीन मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग कैन बी ग्राउंड मोल्डिंग, कैन बी ट्यूबल मोल्डिंग। फिर हमने बोला मशीन मोल्डिंग कैन बी प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग और ड्राई क्ले मोल्डिंग। प्लास्टिक स्टेट में मोल्डिंग कर सकते हो और ड्राई स्टेट के अंदर भी मोल्डिंग कर सकते हो। अच्छा, क्वालिटी का ऑर्डर बताओ। ये क्वालिटी का ऑर्डर है, पुअर क्वालिटी ग्राउंड मोल्डिंग, बेटर क्वालिटी टेबल मोल्डिंग, मोर बेटर क्वालिटी प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग और बेटर क्वालिटी ड्राई क्ले मोल्डिंग। द नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज ड्राइंग। अब जो हमारी फ्रेशली मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं, जिसको बोलते हैं ग्रीन ब्रिक्स, इसमें 7 से लेकर 30% तक पानी होता है। तो अगर आपने इन ब्रिक्स को डायरेक्टली बर्न कर दिया, क्योंकि अगला ऑपरेशन मेरा बर्निंग का ही है, तो अगर मैंने इन ब्रिक्स को डायरेक्टली बर्न कर दिया, सडन डिक्रीज होगा वॉल्यूम के अंदर, ब्रिक्स में क्रैक और डिस्टॉर्शन हो जाएगी। इसका मतलब आपकी ब्रिक डिफॉर्म कर जाएगी। इसीलिए हैंस इसीलिए बर्न करने से पहले क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग का एम क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट 30% तक है वो रिड्यूस होकर कहाँ तक आ जाए, 3% तक आ जाए, ताकि हम अगले ऑपरेशन में जा पाए। अगला ऑपरेशन क्या है हमारा, बर्निंग का है। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ द ब्रिक्स कैन बी डन मैनुअली और ड्राइंग कैन बी डन आर्टिफिशियली। आप मैनुअली भी कर सकते हो, आर्टिफिशियली भी कर सकते हो और नेचुरली भी कर सकते हो। नेचुरल ड्राइंग के अंदर दिक्कत है, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, दूसरा वो सारे फैक्टर्स जो नेचुरल ड्राइंग को रेगुलेट करते हैं, हम उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? हम उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? हो गया, चलो फिर आ गया। द नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक इज टर्म्ड एज बर्निंग। अगला जो ऑपरेशन इन्वॉल्व है इसको हम बोल देते हैं बर्निंग। अब बर्निंग क्या है? बर्निंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। तो बर्निंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन व्हिच इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। क्यों? बर्निंग के टाइम पे ही ब्रिक्स के अंदर स्ट्रेंथ और हार्डनेस आती है। बर्निंग की प्रोसेस ही हमारी ब्रिक्स को स्ट्रांग और ड्यूरेबल बनाती है। इसीलिए जो बर्निंग की प्रोसेस है उसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। हेंस द बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स मस्ट बी कैरिड आउट प्रॉपरली। क्यों? अगर ब्रिक्स की ओवर बर्निंग कर दी, दे बिकम हार्ड एंड विल ब्रेक इजीली। ब्रिक्स अगर अंडर बर्न रह गई, दे विल रिमेन सॉफ्ट एंड विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द लोड इजीली। वो लोड कैरी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बर्निंग कैसे की जाती है? बर्निंग इज डन एट द टेम्परेचर ऑफ 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस। इस बर्निंग के टाइम पे लाइम और सिलिका आपस में फ्यूज कर जाती है। बर्निंग के टाइम पे लाइम और सिलिका आपस में फ्यूज कर जाती है और फाइनली स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है। फाइनली इट इम्पार्ट दी स्ट्रेंथ। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे।
आगे बढ़ते हैं। अभी जो बर्निंग का प्रोसेस है इसको आगे तीन पार्ट में और डिवाइड कर रखा है, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड विट्रिफिकेशन। डिहाइड्रेशन होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 400 टू 650 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन के टाइम पे द वाटर हैज बीन रिटेन इन द पोर्स ऑफ द क्ले आफ्टर ड्राइंग इज रिमूव्ड ऑफ। तो जो ड्राइंग प्रोसेस के बाद पानी रुक गया है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव ऑफ कर देते हैं, और क्ले अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देती है इस टेम्परेचर पे, कि अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देती है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। नेक्स्ट होती है हमारी ऑक्सीडेशन 650 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन स्टेट जो रिमेनिंग कार्बन है वो एलिमिनेट हो जाता है और जो फेरस है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक फॉर्म के अंदर। तीसरी स्टेज है हमारी विट्रिफिकेशन, ये होती है 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसमें ब्रिक पे ग्लास की अपेयरेंस आ जाती है जिसको विट्रीफाइड बोला जाता है। तो विट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर ब्रिक के ऊपर ग्लास जैसी अपेयरेंस आ जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, विट्रिफिकेशन बोल दिया है। क्लियर है चीज? चले आगे। चलो अब बर्निंग कैसे होती है ये अगली क्लास में करेंगे, दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए इतना सफिशिएंट। चलो थैंक यू एवरीवन।